त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ शिवांगी हैं जो कि स्कूल टीचर हैं और साथ ही साथ फूड एंथुजियास्ट हैं, और इनके साथ आज हम अगरतला का स्ट्रीट फूड वॉक करने वाले हैं। वेलकम टू त्रिपुरा अगरतला सर। थैंक यू। अभी हम हैं भगवान ठाकुर चौमनी में और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे पोक भरता, चिकन भरता, बांगुई एंड थिन रोटी के साथ। अच्छा, इसी को शुअर शुअर चौमनी बोलते हैं? हाँ, लोग हाँ शोर चौमनी भी बोलते हैं, बट आई से भगवान ठाकुर चौमनी। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नाम है, भगवान ठाकुर और शुअर चौमनी। राइट, आई थिंक यहाँ पर जो पोक है वो मिलता है, इसलिए इसको शोर चौमनी भी बोलते हैं। लाइक पोक का बंगाली में शोर है, सो दैट्स व्हाई दे से इट शोर चौमनी, बट एट द सेम टाइम इसको भगवान ठाकुर चौमनी भी बोलते हैं। आइए हम चलते हैं स्वप्ना फास्ट फूड सेंटर में। हाँ, स्वप्ना फास्ट फूड सेंटर में। ये जो शॉप के ओनर हैं वो वेट लिफ्टर भी हैं। हाँ, अमरदीप देव वर्मा। ये आपका दी मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ अगरतला है? हाँ, फेमस तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल तब से मैं ये खा रही हूँ। वी यूज टू लाइक मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग घर से ऐसे ही झूठ बोल के ऑटो लेके इधर आते थे, फिर ये खाते थे। लाइक दिस वॉज आवर फेवरेट। अब ये जो आपका पोर्क भरता है और चिकन भरता है, इसको बनाया कैसे जाता है? इसको चिकन और पोक जस्ट वो ये डिफरेंस होता है, बाकी इंग्रेडिएंट्स आर सेम। लाइक इसमें जाता है चिकन आप पहले बॉईल करते हो, फिर स्लाइस्ड अनियन, फिर कोरिएंडर, देन चिली जो है उसका उसको आप रोस्ट हम रोस्ट करते हैं, फिर उसको ऐसे ग्रेन करके डालना पड़ता है, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जिंजर का है जो वो होता है पेस्ट करके इसमें डाल के बस ऐसे। इसमें ऑयल नहीं है? नहीं, ऑयल नहीं है, एकदम भी ऑयल नहीं है। और ये जो ये रोटी है, हाँ, दिस इज लाइक अ थिन रोटी, नॉट लाइक रोटी वी ईट इन आवर हाउस। ये थोड़ा पतला है, क्योंकि पतला रोटी के साथ ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है रेदर देन द मोटा रोटी। और ये तो बांगुई है? हाँ, ये बांगुई है। ये दिस लीफ इज कॉल्ड लाइरू लीफ इन द लोकल लैंग्वेज, दिस इज लाइरू लीफ। ये जंगल में मिलता है, और इसका इसके अंदर जो है वो है बिन्नी राइस जो जूम फील्ड में मिलता है। तो दिस इज बेसिकली स्टिकी राइस यू कैन से, देन दे पुट दिस राइस इनसाइड दिस लाइरू लीफ और इसमें डाल के फिर बॉयल करते हैं, फिर रेडी हो जाता है। राइस नहीं निकल पाए तो इसके लिए ये लगाते हैं, सो दैट द राइस डजंट कम आउट। जस्ट अ स्टीम राइस। हाँ, स्टीम है, स्टिकी राइस। वाओ, काफ़ी स्पाइसी है और काफ़ी इंटेंस स्मोकी फ्लेवर है इसमें। राइट, जो पोक के पीसेस हैं बिल्कुल फैटी हैं, हाँ, और अच्छे से कुक्ड है, प्रॉपरली कुक्ड है। जो प्याज का अच्छा कंटिन्यूसली बरकरार है इसमें, और जो मिर्च डाला है उसका तीखापन भी है, हल्का मतलब माइल्ड फ्लेवर है अदरक का, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइट, अब चिकन वाला टेस्ट करें। बोन्स भी है और बिना बोन्स के भी है, दोनों ही है। पता नहीं, मुझे तो सरसों का तेल का भी टेस्ट आ रहा है। नहीं, नहीं। चिकन मुझे अच्छा लगा। चिकन अच्छा लगा? हाँ हाँ। अब ये बांगुई के साथ खाते हैं। हाँ, बांगुई के साथ खाइए। बांगुई आप एक बार खाली टेस्ट करके देख लीजिए। अच्छा, वो कहते हैं इसमें सॉल्ट मिलाना पड़ेगा। सॉल्ट इफ यू वांट, ऐसे लाइक इफ यू कोई लोग तो इसमें डालते हैं लाइक वेजीज, गाजर डाला हुआ है। गाजर है? हाँ, गाजर ही है। दमक डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैं बोल रही थी। खुद में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत। तो ऐसे राइस उठाया, उसके बाद चिकन लिया। अच्छा है ना? बहुत बहुत ही उम्दा है।
और जो कॉम्बिनेशन है वो भी रोटी की भी साथ, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और बांगुई के साथ भी अच्छा लगता है। मुझे बांगुई साथ ज्यादा अच्छा लगा, बांगुई के साथ ज्यादा अच्छा लगा ना। नहीं है, एक ही पीस था। हाँ। ये तो धोखा हो गया, खत्म हो गया। हमें लगा और निकलेगा, लेकिन सिर्फ ये एक लास्ट पीस ही इनके पास बचा हुआ है, बैम्बू चिकन का। चकमा का डिश है। अच्छा, चकमा भी यहाँ पे एक एथनिक कम्युनिटी है, उनकी ये डिश है बैम्बू चिकन। इसका शॉप का नाम हाजी है, कुछ ये नया खुला है। अच्छा, टेस्ट द डिफरेंस, फील द डिफरेंस। और ये जो बनाते हैं बैम्बू चिकन, बैम्बू पो के आपका ऑर्डर पे बनाते हैं? हाँ, ऑर्डर पे, क्योंकि क्या होता है कि नहीं हम, लाइक हमेशा नहीं ख़त्म होता। सो अगर कोई पहले ऑर्डर करके, ऑर्डर करके इनको बोल दे तो रेडी रखते हैं। और वैसे दो तीन रहता है, लाइक यू कैन कम एंड टेस्ट, हैव अ टेस्ट। ये जो बैम्बू चिकन है ये बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है, और बिल्कुल कोई बिना तामझाम वाला ये डिश है, जिसमें सिर्फ प्याज, हल्दी, नमक, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज, इसको मिला के मैरिनेशन किया गया एंड कोरिएंडर, और कोरिएंडर और बैम्बू में डाल के इसको पका लिया। तो एक जो बैम्बू का अपना खुद का फ्लेवर होता है, एक जो स्वीटनेस होता है, एक जो अर्दीनेस होता है, वो इसमें आपको मिलेगा खाने में। साथ में जो चीज़ें डाली गई है, चाहे जिंजर गार्लिक हो या प्याज हो, उसका भी फ्लेवर है। चिकन अपने जूसेस में पका है और सॉफ्ट है, बिल्कुल जूसी है। जब हमने भरता खाया वो प्रॉपरली, इसे लोग भरता जानते हैं, बिल्कुल मैश होता है, वैसा नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें जस्ट मिक्स करते हैं, नॉट कम्प्लीटली मैश्ड। द सम इंग्रेडिएंट्स आर मैश्ड, लाइक जिंजर एंड चिली, बट द होल थिंग इज़ नॉट मैश्ड। इट जस्ट मिक्स करते हैं साथ में सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के, दैट्स इट। और उसको लोकली बोलते क्या है यहाँ के भाषा में? लोकल हम तो बोलते हैं चिकन भरता और पोर्क भरता, एंड कॉकबरोक में शायद बोलते हैं वोहान मोजदेंग एंड तोहान मोजदेंग। वोहान हो गया पोक का, तोहान हो गया आपका चिकन। हाँ, और चिकन करी और पोक करी को शायद ऐसे बोलते हैं वाक बहांग एंड तोक बहांग। अच्छा, थैंक यू। सर थैंक यू। आप चलिए भोलागिरी मिठाई शॉप पे, जहाँ पर हम ट्राई करेंगे बंगाली मिठाई। ये है भोलागिरी मिठाई शॉप। ये बंगाली मिस्ट्री है, खीर तुआ। और देखने से ही टेस्टी लग रहा है ये। हाँ। ये वही है, अंदर में आपका चौम और ऊपर से खीर डला हुआ है, लग रहा है ऐसे वो था ना आपका मिल्क मेड। हाँ हाँ हाँ, मिल्क। ये तो ऊपर का पूरा मिल्क है, मिल्को को ज्यादा देर तक पका के बनाते हैं। एक है बहुत बढ़िया, लेकिन मीठा बहुत है, तेज मीठा है। ये जो खीर है ना, ये टेस्टी है। नॉलिंग गुड है, वाह, मतलब आई एम सो हैप्पी टू ट्राई दिस। देखो विंटर्स में सिर्फ मिलता है नॉलिंग गुड आपका, और अभी तक इस साल खाया नहीं था कोई नॉलिंग गुड की मिठाई। और बहुत सॉफ्ट है, अंदर से एकदम ग्रेनी टेक्सचर है, और मीठा भी बराबर है। लीजिए, इसकी जो मिठास है ना, वो ज़्यादा तेज नहीं है। राइट, दिस इज़ गुड। और जो चाशनी है बिल्कुल हल्की है, मतलब गाढ़ी नहीं है। हम लोग बंगाली मिस्ट्री खा रहे हैं, तो बंगाली खाने की झलक आपको त्रिपुरा के खाने में हर जगह मिलेगी। क्योंकि ये ना कि मतलब जो यहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 70% वो बंगाली है। ये पान बेच रहे हैं या पान अपने अपने लिए? अरे वाह, ऐसे ही जिंदगी चाहिए हमको आपका जैसा। नहीं, मैंने ऐसा लाल भार देखा, सफ़ेद भार नहीं देखा। कुल्लर जो होता है यहाँ पर तो ये होता है, और कुल्लर का शेप भी बड़ा अच्छा है, यूनिक है।
हाँ मतलब शॉर्ट्स ग्लास होता है ना वैसा है ना। वाह, अच्छा यहाँ पे चाय अच्छी होती है त्रिपुरा में। हाँ अच्छी है, यहाँ पर भी है और एक है बाबू आना। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ की जो चाय पत्ती है। यहाँ की चाय पत्ती गुड। वाह गुड, अच्छी चाय है, थोड़ा और पकता तो और मजा आता है लेकिन ये भी अच्छी है। सर आपका नाम क्या है? सिद्धपुलिया से। नाम आगे में। आपका प्रथम है आप? रंजित विश्वास। हाँ रंजित विश्वास, रंजित विश्वास जी। और ये आपका जो दुकान है पिठा का, ये कब से है यहाँ पे, कितना टाइम हो गया? कितना टाइम है? 3 बजे खुले, रात 10 बजे बंद। हाँ 14 वर्ष रनिंग चले, 14 ईयर्स हो गया। शाम में आते हैं 3 बजे। 3 बजे, रात 10 बजे बंद। अच्छा आप बताइए आपके पास क्या क्या है? सिद्ध बुलिया है, पार्टी चपटा है, मालपुआ है, चितल पिठा, बाबा पिठा, 5 आइटम होगा। लाइन से दुकान है यहाँ पे पिठा की? हाँ हाँ बहुत सारे दुकान है एकदम लाइन। शकुंतला बाजार में? हाँ शकुंतला मार्केट, शकुंतला रोड है ये, शकुंतला मार्केट। हाँ ये ऐसा ही पिठा मुझे याद आ रहा है, मैंने गुवाहाटी में खाया था केटली पिठा। वो केटली में बनता है लेकिन दिस इज लाइक दिस इज हारी, लाइक वी कॉल इट डेग, बेसिकली हारी। तो उधर केटली होता है, इधर डेग है। ये जो राइस है, हाँ हाँ, ये कौन सी वैरायटी का राइस है? ये लोकल चावल है, आतोप चावल और गोविंदभोग जो चावल है, चावल है उसका मिक्स है। उसको सोक करते हैं ओवरनाइट पानी में, देन मिक्सी में उसको नेक्स्ट डे लाइक पानी से निकाल के मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। इस पर जाएगा पहले तो ये चावल, देन चीनी, देन कोकोनट, देन ऊपर से फिर से चावल दे के इसको यहाँ पर नेट के सहारे डाल देंगे, बस हो जाएगा रेडी। लाइए जी, गरम होवे दादा। ये आपका भापा पीठा, भापा पीठा है। इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, मतलब स्पॉन्जी टेक्सचर है एकदम। देखा है तो ये इडली ही तो है, मतलब स्टीम इडली नहीं, नहीं ये पीठा है, ये इडली नहीं है, इडली इज डिफरेंट। मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाइट है, स्पॉन्जी है, थोड़ा जो टेक्सचर ददरा है, हल्का सा मीठापन है, बीच में जो कोकोनट डाला गया है उसका भी उसकी मिठास है, मतलब चावल की मिठास भी है, चीनी की मिठास भी है, कोकोनट की मिठास भी है, तीनों ही है इसमें। Yet it's not that sweet, right? वो एक बैलेंस। हाँ बैलेंस है बहुत। ये आपका मालपुआ है? ये तला हुआ है? हाँ ये तला हुआ है ऑयल पे, इसमें कोकोनट जाता है, गुड़ जाता है, देन सूजी जाता है, देन चावल का जो आटा होता है वो जाता है, उसको सारा मिक्स करके समटाइम्स इस पर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मेरी मम्मी बनाती है तो आई ऑल्सो कैन, बट प्रोसेस तो ये देखा हुआ है, बस उसको मिक्स करके देन तेल में डालना पड़ता है, दैट्स इट। कितना फूल कैसे जाता है ये तेल में डालते ही ऑटोमेटिक फूल जाता है। ये खाते ही लगता है ऐसे कि कोई मतलब फेस्टिव फूड होता है ना, वैसा एहसास होता है। हाँ ये फेस्टिव फूड ही है, संक्रांति कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति गया था तो उसमें हम सब लोग, सबके घर में ये तो होगा ही होगा, लाइक 15 डेज तक तो पीठा ही चलेगा आफ्टर संक्रांति। जो मालपुआ के एजेस है काफ़ी क्रंची है, एक कैरेमलाइज टेक्सचर है, गुड़ की बहुत अच्छी मिठास है, बहुत शानदार है, एकदम बीच में से सॉफ्ट है, डेंस है, आपका स्पॉन्जी भी है, काफ़ी सॉफ्ट था। ये खीर वाला है कि नारियल वाला है? नारियल वाला है। ये चावल से मैदे से बनता है? हाँ ये चावल है, ऊपर का पूरा लेयर, पूरा ऊपर का जो लेयर है ये चावल का है, इनसाइड इट इज यू कैन पुट लाइक कोकोनट और खीर। ये कोकोनट वाला है? हाँ। भाई मीठा, ये तो गुजिया शेप में है, क्या है ये? ये इसको बोलते हैं पुली पीठा,
ऊपर इसका पूरा चावल का आटा है, इनसाइड इट इज कोकोनट एंड सम स्वीट, लाइक आप इस पे गुड़ भी डाल सकते हो और चीनी भी डाल सकते हो। ये बहुत अच्छा है, दिस पिठा इज माय फेवरेट। पहले आप खाइए। ये काफी हार्ड होता है ना, इसको गरम करके नहीं दिया ना इसलिए। इसके अंदर वही चीज है जो पतिशप्ता में जाता है। वाह, स्टिकी है। दिस इज माय फेवरेट। ये जब घर पे बनता है तो और अच्छे से बनता है। काफी फीलिंग भी है, हैवी है। अच्छा दादा, पिठा खूब भालो, धन्यवाद। अभी हम है लोखी बेकरी, यहाँ से हम खाएंगे चिकन चॉप। ये मैं कॉलेज में जब थी बहुत खाती थी, इट्स वेरी गुड। अब नहीं खाते? अभी खाती हूँ, लेकिन यू नो इतना उतना उतना आना नहीं होता इस तरफ। इसका जो शेप है हाँ? वो तो कचौड़ी वाला है हाँ? और जो मुझे केसिंग लग रही है वो भी इसकी कचौड़ी वाली है हाँ? इसके अंदर में चिकन स्टफ है हाँ, चिकन और वेजिटेबल स्टफ है। इसको यहाँ पर चिकन चॉप बोलते हैं, कचौड़ी नहीं बोलते मतलब कचौड़ी की तरह है, दिखता वैसा है क्योंकि जो चॉप से मैं वाकिफ हूँ वो देखता हूँ, चॉप जो आपका ब्रेड क्रम्स हाँ, हाँ, वो लगा के फिर तलते हैं, वैसा वाला नहीं है। नहीं, अंदर में चिकन है हाँ, चिकन है, आलू है, वेजेस है। हाउ इज इट? काफी मसालेदार है, मतलब आलू के साथ, उबले हुए आलू के साथ चिकन डाल के, चिकन डाल के अच्छे से भुनाई करते हैं मसालों के साथ में। आप चटनी के साथ खाइए, चटनी के साथ अच्छा है ना ज्यादा। वाह, मसाला बहुत उम्दा है और जो चिकन है वो बोन्स के साथ में हाँ। ये बोनलेस नहीं करते हाँ, वो ऐसे नहीं है, पर्टिकुलर सभी डाल देते हैं चिकन का, जिसकी जिस चॉप में जो पार्ट जाता है, जिसको जो मिलता है, किसी को बोनलेस है, किसी को बोन के साथ मिलता है, इसकी जैसी किस्मत हाँ, जिसकी जैसी किस्मत। मतलब मेरे लिए ये कचौड़ी समोसा के बीच की डिश है हाँ, कचौड़ी और समोसा हाँ। और हाँ चॉप, लेकिन बोलते चॉप है इसको हाँ, बोलते चॉप है। तो ये आपका फ्राइड संदेश है हाँ, ये फ्राइड ये रोल संदेश है हाँ, ये रोल संदेश। तो ये जो रोल संदेश है इसके अंदर में आपका चम चम है, ऊपर में खीर है हाँ। और ये फ्राइड खीर अंदर में, इसके भी मिष्टी है, मतलब जब मिठाई बनाने में कला बंगालियों को मिष्टी माने ही बंगाली हाँ, एम सही बोला आपने, मिष्टी माने बंगाली, मिष्टी माने बंगाली और मिष्टी के मतलब रीइन्वेंट करते रहते हैं है ना, इनोवेट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मतलब कभी मिठाई को बेक कर देते हैं तो बेक रसगुल्ला बन जाता है, कभी फ्राई कर देते हैं तो फ्राइड संदेश बन जाता है। अब इसको फ्राइड संदेश क्यों बोलते हैं पता नहीं मुझे, क्योंकि अंदर में तो मिठाई है लेकिन ये इसमें संदेश का तो कुछ लग नहीं रहा मुझे हाँ, ऊपर का शायद लेयर कोटिंग को थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजिंग मिठाई है, हम खाता हूँ मैं। इनका स्पेशल है गिरिधारी का। ये बता रहे थे कि ये जो दुकान है 65 साल पुरानी है हाँ, 65 years old. और यहाँ पे केबिन्स भी बने हुए हैं, ये मैंने देखा है, चाहे नॉर्थ बंगाल हो या वेस्ट बंगाल हो या आपका त्रिपुरा, यहाँ पे केबिन कल्चर है हाँ? ये टीका क्या लगाया है? This is also same. This नहीं, is ये टीका क्या है? टीका I don't know. मैं तो खा रहा हूँ टीका। चॉकलेट है, चॉकलेट का टीका लगा हुआ है, मैं तो लगे इस मिठाई को जैसे कुएं से पानी निकलता है वैसे ही हर जगह मग्गा बना हुआ है, मग्गा लेके भाग जाता है लोग, क्या भाग जाता है नहीं नहीं होता है, पहले जब ट्रेन के डिब्बा में टॉयलेट में डिब्बा रखा गया तो लोग डिब्बा लेके भाग जाता था, जंजीर लगाना पड़ा उसमें सरकार को, ठीक है हमारा डिब्बा सेफ मत सेफ है। चलिए
क्या चिकन कॉर्नर? हाँ, चिकन कॉर्नर चॉप एंड फिश फिंगर और भी गोंदोराज पकोड़ा। गोंदोराज पकोड़ा? हाँ वाह, ये जरूर खाऊंगा मैं गोंदोराज। एक गोंदोराज पकोड़ा, एक चॉप और एक चिंगड़ी। प्रथम फ्राई है कि द्वितीय फ्राई है? द्वितीय फ्राई, द्वितीय फ्राई है। एक पहले फ्राई के रखे हुए हैं, हाफ मील, हाफ फ्राइड, ये फुल फ्राई। और तेल कौन सा है? ये फॉर्चून रिफाइन। फॉर्चून रिफाइन, मुझे अच्छा लगा। मैं मालूम क्यों खा रहा हूँ आपके यहाँ, क्योंकि आपका तेल साफ है। दादा तुम्हें रुमाल नीचे कर बे। हाँ हाँ, दादा का शकल देख बे। আমার এখানে ফিশ ফিঙ্গার, চিকেন পকোড়া, গন্ধরাজ চিকেন পকোড়া, চিকেন চপ, চিকেন লেগ পিস, এগ পকোড়া আর চিংড়ি ফ্রাই। আচ্ছা, পকোড়া তোমার হিসেবে সবচেয়ে এখানে ভালো কোনটা, সবচেয়ে বেশি স্বাদ? সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে স্বাদ। তা তো ঠিক আছে, কিন্তু তোমার ফেভারিট কোনটা? সবচেয়ে কাস্টমারের পছন্দ গন্ধরাজ পকোড়া, চিকেন পকোড়া। আচ্ছা, আপকা নাম কে? সুশান্ত দাস। আপকো কতনা সাল হয়ে গেছে কাম করতে হুয়ে? 7 মান্থ। 7 মান্থ, ইসসে পহলে কে করতে থে? আয়ুর্বেদিকে পঞ্চকর্ম করি আমি। হ্যাঁ, সন্ধ্যাপুরে মানে আমার চেম্বারটা থাকে না, ওই সময়টার মধ্যে এটা করি। তো এই আমার প্রন চপ কাসুন্দি, উপর সে কালা নমক, আর মশলা কে ডালে? চাট মশলা। চাট মশলা আর পেঁয়াজ, ব্ল্যাক সল্ট, চাট মশলা। চাট মশলা তো পঞ্চকর্মা মে এসব খানা চাইয়ে? নেই খানা চাই, আয়ুর্বেদিক মে একদম না, একদম নাই। ইডালে ইডালে নেই আমকো ইয়ে গন্ধরাজ। আরেকটা তো দিই, এটা তো দিই। কে বানানো শিখে আপ পঞ্চকর্মা করতে করতে কেসে আগে? না না, এটা তো আমি নিজে করি না, এটা কারিগর, কারিগর করে। কারিগর? হ্যাঁ, আমি শুধু জাস্ট সেল করি, বিক্রি করি। আপ কারিগর রাখে মে, ও বানাতা হ্যায়, আপ খালি বেচতে হ্যায়। ইয়ে আপকা চিকেন চপ হ্যায়? হ্যাঁ, চিকেন চপ। জো আমনে লক্ষ্মী বেকারি মে খায়া থা वो अलग था, असल चॉप यही है जो दादा ने बनाया है। अंदर में चिकन है? चिकन। और क्या है? और पोटैटो, आलू हो गया, उसको मिला के मसाला में, उसके बाद ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा के तल देते हैं। मक्खन, चिकन। और ये आपका हो गया गोंदोराज, गोंदोराज चिकन पकौड़ा। गोंदोराज चिकन पकौड़ा, खुशबू खुशबू है, टेस्ट है। बालो खूब बालो, अब हमें प्रॉन चॉप खबर है। प्रॉन फ्राई, प्रॉन फ्राई खबर थोड़ा कसुंदी लगा पे। खूब शाद, খুব ভালো, খুব ক্রাঞ্চি, আচ্ছা বানা, আচ্ছা বানায়। আচ্ছা, এ পুরো চিকেন কা পিস হ্যাঁ। হাড্ডি ওয়ালা কিউ বানাতে হ্যায়? হাড্ডি না থাকলে ভালো লাগে না তো চিকেন, টেস্ট আতা হ্যায়। হাড্ডি সব, হ্যাঁ হাড্ডি ছাড়া ভালো লাগে না। এই বোনলেস চিকেন, চিকেনের মধ্যে বোনলেসটা থাকে। দাদা এবি খুব ভালো, খুব স্বাদ। टेस्ट आता है, पीपल लाइक इट। ये तो है, मतलब चिकन हो या मटन हो, बोन चाहिए, बोन चाहिए, बोन के साथ ही फ्लेवर्स आते हैं, बोनलेस में मज़ा नहीं हो। ज़्यादा बहुत अच्छे स्माइलिंग है, मतलब हाँ, मतलब मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा सुशांत दादा, आशी है ना, चलिए आई दादा, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम हैं सिटी सेंटर के जस्ट सामने, जहाँ पर हम ट्राई करेंगे डक करी। विंटर का सीजन है, सो व्हाई नॉट। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी रीजनेबल है। हाँ, मतलब 30 रुपये में आपका चिकन भरता और रोटी है। राइट। हाँ, चिकन भी खा लीजिए, रोटी भी खा लीजिए, भरपेट खाना है। हाँ,
सबसे जो महंगी डिश है वो एग चिकन तड़का रोटी है 80 रुपए का। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाशिर मांगसो। हाशिर मांगसो। हाश। हाश। हाशिर मांगसो। That means ducks. The raw is apostrophe s. हाशिर। ये डक के पीछे। बिना आलू के तो बंगाली खाना पूरा नहीं होता। मस्त। चाहे वो बिरयानी हो या फिर मटन हो। Right. Without आलू it's not complete. The dish is not complete. ये ग्रेवी कितनी ठीक है इसकी? ये रही रोटी, एकदम पतली रोटी। ये देख के ना मुझे कर्नाटक में मिलता ना अक्की रोटी, उसके अंदर बिल्कुल पतला वैसे ही होता है। ये भी वो चावल के आटे का बनता है, सफ़ेद ये भी मेरे को लगा मैदे से बनाते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं गेहूँ का आटा है। मैं पहले सीधे फर्स्ट डक फ्राई करता हूँ। हाउ इज इट? काफ़ी मीठी है। रोटी अच्छा है, पतली रोटी है। हाँ। तो आप रोटी कम खाते हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं, बोलता है ये मतलब रुमाली रोटी का भी है। तो रुमाली रोटी आप खाते हैं तो रोटी आप कम खा रहे होते हैं, साथ में जो डिश होती है वो ज़्यादा खा रहे होते हैं। और इसका जो फ्लेवर है, जैसे आपका मटन कासा होता है ना, ठीक उसी की तरह है, मटन कोशा उसकी तरह लग रहा है, मतलब बिल्कुल थिक ग्रेवी है। और सबसे अच्छी बात जैसे आपने बताया कि ये जो तेल है ये डक का ही फैट है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, खूब बालो और खूब स्वाद, खूब स्वाद, खूब स्वाद। अच्छा इस शॉप के बारे में बताइए। ये है फूड हट और ये है छोंदा दीदी और स्वप्नोदीप सर का दुकान है, और ये लगभग 2.5 ईयर्स से है, और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ये ओपन है। तब सेटअप अपने बहुत अच्छा बनाया हुआ, छोटा सा। हाँ तो करी यहाँ नहीं बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, घर से बना के यहाँ लाते हैं। फ्राई आइटम सब है। फ्राइंग यहाँ पे करते हैं। हाँ, भरता, फ्राई आइटम सब है। घर तो पीछे में ही है। अच्छा पीछे में घर है। तो ये आपका फुल टाइम काम है कि फुल टाइम? मज़ा आ रहा है? हम लोग जॉब छोड़ते हैं। अच्छा कहाँ जॉब करते थे आप लोग? वो तो ये बांकुड़ा में करते थे। हमने ट्राई किए छोटा सा एक टेबल लेके, उसके बाद जब देखा रेस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है तो हमने उसको बोला कि छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, हम दोनों मिलके बिजनेस ट्राई चालू करते हैं। तो चल पड़ी गाड़ी। हाँ, गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, अच्छा ही लगता है। हाँ। बहुत मज़ा लगता है। संडे में क्लोज रहता है दुकान। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? एक जो काम आपको करने में अच्छा लगता है वो काम कर रहे हैं। हम दोनों में इसमें कोई परेशान नहीं है। जब जाओ हमारे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो दुकान बंद कर लो, ठीक है? किसी के ऊपर मैंने परेशान नहीं है, अपने मर्जी में चलाते हैं। यहाँ पे बनाया जा रहा है एग केक, और एग केक बनाने की विधि की बात करें तो यहाँ पे एक घोल है जिसमें आपका मैदा है, चीनी है, अंडा है और दूध है, उसको मिला के रखते हैं, और उसके बाद फिर जो आपने सांचा बनाया हुआ है, मतलब ये जो अलग अलग खांचे हैं उसमें इसको पहले घोल को डालते हैं, उसके बाद एक अंडा फोड़ के डाल देते हैं, फिर ये धीमी आँच पे सिकता रहता है, उसका इसको फोल्ड करते हैं और फिर उसके बाद फिर इसको निकाल देते हैं, और ये इसको खाया जाता है हलीम के साथ। खाली के खाना है, खाली भी खा सकते हैं, हलीम के हलीम के का साथ खाना है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, क्योंकि ये मीठा हो जाता है, ये थोड़ा मीठा है, हलीम मिर्ची है ना जाले। राहुल जी आपको 10 साल हो गए यहाँ? 10 साल हो गए इधर से। तो आप कहाँ से बनाना सीखे हलीम और ये एग केक? तो हलीम तो बांग्लादेश से सीखा है, केक कलकत्ता से सीखा है। एक एक वेस्ट बंगाल और एक बांग्लादेश, और बेस्ट है त्रिपुरा में, बीच में तो आप जो हलीम बनाते हैं उसमें चिकन भी डालते हैं या मटन भी डालते हैं? मिले का है ये अलग अलग से हो, अलग अलग तो इधर नहीं खाना है, चल रहा है थोड़ा कम चल रहा है, मटन से अलग से करता है ना, रेट ज़्यादा होगा तो थोड़ा कम चल रहा है, तो दोनों मिले को एक साथ बनाए तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो आप हलीम में क्या क्या डालते हैं? हलीम तो मिक्स दाल, चिकन मटन मीट मांस और मसाला, हलीम का मसाला उसके साथ मिर्ची धनिया प्याज ओनियन का फ्राई है और ओनियन लेमन
और कितना घंटा लगता है हलीम बनाने में? हलीम बनाना तो 6-7 घंटा लगता है, घर में बनाए तो इधर रेडी करके ये सील करते हैं। और कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे आप? ये तो 4 बजे का है, रात 11 बजे का रहेगा। शाम में खाते हैं लोग? शाम से शुरू होता है, रात में चल रहे हैं। और सालों भर मिलता है? 11 जो कस्टमर है। नहीं मतलब ऐसे मिलता है सालों भर है, पूरे साल पूरा साल चलता है, कोई बंद नहीं है, 7 दिन को चल रहे हैं, बंद नहीं बंद कर। अभी मसाला डाल रहे हैं, ये आपका सीक्रेट मसाला है, बता नहीं सीक्रेट रहे हैं। मेरा मसाला मेरा नीचे दे रहे हैं। अच्छा, मेरे हाथों से ये तो वाह, ये अच्छा बना, एकदम लाल बना है, बढ़िया लाल। तो ये तो हीट ज़्यादा हो ना तो काला हो जाएगा, तो धीरे धीरे हीट दिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा। ये अच्छा, ये अच्छा बना है उल्टा, हमको तो ये वाला अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक, ये अच्छा है लाल वाला, थोड़ा अच्छा से भून गया ना अंदर से। आपका त्रिपुरा में जो खाना है बहुत मुनासिब है, मतलब बताइए 40 रुपये में आप हलीम बेच रहे हैं, उसमें मुर्गा भी है, मांसो भी है, दाल भी है, बहुत कम है। मेरा तो खर्चा कम है ना, रास्ते से दुकान है ना, खर्चा कम है तो कम रेट सेल हो जाए। हाँ, मतलब घर में जाएगा ना तो बहुत खर्चा है, बहुत रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये हलीम 40 रुपये, मेरे पास से घर से जाए ना तो 80 रुपये लगेगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा घर से। मेरा खर्चा कम तो कम रेट से चल जाए। यही तो मज़ा है स्ट्रीट फूड का, अपना अफोर्डेबल होता है, आराम से तसल्ली से खा सकते हैं। हलीम है, इसके ऊपर में आपका फ्राइड प्याज है, हरी मिर्चें हैं, धनिया पत्ती है, काला नमक, और ये चिकन का पीस है, ये आपका हो गया मटन, और ये आपका है एग केक। हलीम खाते हैं, पहले हलीम खाएंगे, पहले हलीम चल हलीम टेस्ट करते हैं। ओके, फिर एक केक खाएंगे, इसको साथ में खाते हैं बाय द वे। अच्छा, पहले एक खाए, एक चम्मच ऐसे। इसमें सिर्फ दाल है, मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा गेहूं ही मिलाया है इसमें। नहीं, दाल है, ब्रोकन व्हीट नहीं मिलाया हुआ, मतलब कुछ तो लग रहा है ऐसे, स्प्राउटेड इसमें टेक्सचर आ रहा है कोई ग्रेन का। दाल चिकन मसाला, सो गुड ना, बहुत टेस्टी है। फ्राइड प्याज डाला है, उसका अच्छा टेस्ट अलग से आ रहा है, उसका एक मीठापन भी है, एक क्रंची टेक्सचर भी है। आइए अब केक के साथ खाते हैं। केक के साथ पहले ऐसे टेस्ट करूँगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। स्वीट है। हाँ, स्वीट है। वाह, एक का टेस्ट है, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बना हुआ है। हाँ, ये एग सैंडविच है, एग केक बोलते हैं। हाँ, और फ्रेश सैंडविच बनाया है उन्होंने। वाह, बहुत शानदार है, ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए थोड़ा हलीम के साथ हलीम खा सकते हैं। बहुत शानदार है, मतलब मीठा केक और स्पाइसी हलीम। हाँ, क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ भी चिकन के पूरे पूरे पीसेज हैं, वो भी हड्डी के साथ। ये एक कॉमन फीचर देखने को मिला है यहाँ का स्ट्रीट फूड में, चाहे चॉप खा रहे हो आप, या तो क्रिस्टन वाला चॉप, या फिर आपका लौकी बेकरी वाला चॉप, बोन के साथ है, बोन साथ में है। लोग इसको मतलब पसंद करते हैं यार। हाँ, बोन्स ज़्यादा प्रेफरेबल है। यू कैन स्टॉप ईटिंग दिस हलीम। हाँ, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पूरे दिन में मैं जहाँ भी इतनी चीज़ें खाई, उसमें से सबसे उम्दा जो टेस्ट लगी मुझे खाने में वो यही हलीम है, बहुत शानदार। गोमा सीक टू नहीं? हाँ, है, थोड़ा तो है, लोगों टेस्ट लग गया था कि गेहूँ है। थैंक यू शिवांगी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमने कई सारी चीज़ें ट्राई की अगरतला में। इनफैक्ट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी वैरायटी स्ट्रीट फूड की आप मिलेगी। हम लोग कल दोबारा मिल रहे हैं। Yes. और कल हम लोग ट्राई करने वाले हैं बंगाली फूड, बंगाली त्रिपुरी स्टाइल बंगाली फूड।
वक्त हम लोग त्रिपुरा के चाय बागान में हैं, और चाय की बात की जाए तो हिंदुस्तान में चाय 16 राज्यों में उपजाई जाती है, उसमें से त्रिपुरा 5th लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। अभी बना रही हूँ मैं बनाना फ्लावर के साथ, एक तो है शीदोल देके गुदोक, तो ये मसूर का दाल है। हमारे केले के पत्ते के ऊपर में ये भात है, और उसके बाद ये है आपका पालंग शाक। पालंग शाक, ये छुरी भाजा, ये दाल, ये शीतल चटनी, और वो टेंगरा माछर झोल, ये बेगुनी है, ये देसी चिकन है, देसी चिकन का करी, एंड दैट इज चटनी, स्वीट चटनी। और हम स्टार्ट करेंगे दाल और शीतल चटनी के साथ।